हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बॉम्बे स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल चटपटी टेस्टी भेलपुरी। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भेलपुरी बनाने के लिए एक पैन में 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और 4 टेबलस्पून डालेंगे मूंगफली। आप चाहें तो छिलके वाली मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन्हें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है, ये लाइट गोल्डन हो गई हैं। बस अब इन्हें निकाल लेते हैं। और अब इसी पैन में 1 टीस्पून ऑयल और डालेंगे और 5 कप पफ्ड राइस यानी मुरमुरे डालेंगे। और इसी के साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे क्रिस्प होने तक। इस तरह फ्राई करने से कई बार मुरमुरे अगर सील जाते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये हो गए हैं। इस तरह प्रेस करके देख लें। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे ये जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे और इसमें मिक्सिंग करना भी इजी होगा। अब डालेंगे इसमें 1/2 कप फाइन चॉप प्याज, 1/2 कप फाइन चॉप बिना बीज के टमाटर, 2 से 3 टेबलस्पून फाइन चॉप हरा धनिया, 1 टीस्पून फाइन चॉप हरी मिर्च या टेस्ट अकॉर्डिंग, 1 मीडियम साइज़ का बॉयल आलू इस तरह स्मॉल डाइस में कट करके डालें, 5 टेबलस्पून इसमें बॉम्बे मिक्स डालेंगे या कोई भी मिक्सचर डाल सकते हैं, साउथ इंडियन या कोई जो आपको पसंद हो। इसके साथ डालेंगे 5 टेबलस्पून चना दाल, ये भी मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाती है। 5 टेबलस्पून ही हम इसमें बारीक वाली सेव डालेंगे। अब इसमें डालेंगे जो हमने पीनट्स फ्राई किए थे, 5 से 6 पापड़ी इस तरह से तोड़कर डालेंगे। पापड़ी कैसे बनानी है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं या फिर रेडीमेड पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/8 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून धनिया की चटनी और 2 टेबलस्पून इमली की चटनी। इमली और धनिया की चटनी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे स्ट्रीट स्टाइल ही सर्व करेंगे। और अब टॉप पर डालेंगे थोड़े से सेव, ये ऑप्शनल है। तो हमारी बॉम्बे स्टाइल या स्ट्रीट स्टाइल टेस्टी चटपटी भेलपुरी बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।